बहुत मज़ा आता है यार इधर। सबसे पहले हम तो करते रहते हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। जितने भी बच्चे हैं बम्बई के जो भी आसपास से आ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होता है कि कहीं पर किक बॉक्सिंग हो रहा है, कहीं पर स्केटिंग हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो यस, इट्स अमेजिंग फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और जिस तरह से असलम सर यूथ का ध्यान रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कोई करता नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन आप देखेंगे कोई करता नहीं है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह सुबह है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने ज़्यादा जोश मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। तो मलाड मस्ती में देखने को मिला है। पिछले साल भी मैं आया था तब भी ऐसे ही मतलब जोश था लोगों में, और बच्चे से लेके बूढ़े तक हर उम्र के लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे थे। आज भी वही देख रहा हूँ, आप खुद देख सकती हैं पीछे कितना शोर मच रहा है। पीपल आर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है असलम जी द्वारा, क्योंकि इसमें लोगों को जुड़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ के जो लोकल हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का भी मौका मिलता है। अपना टैलेंट तो शोकेस कर ही रहे हैं डेफिनेटली। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड एफर्ट टू रीयूनाइट एवरीबॉडी इन द सेम विसिनिटी। मस्ती में आके मतलब ये मलाड मस्ती जो नाम दिया है फर्स्टली वो इतना करेक्ट दिया है कि इतना मस्ती है ऑल अराउंड द प्लेस। पहले हम वहाँ पर गए थे जजिंग करने के लिए, तो वहाँ पर जो लोगों ने अपना टैलेंट शोकेस किया इट इज़ सो अमेजिंग। लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, इट्स नॉट जस्ट इन एंड अराउंड मलाड कांदिवली, इट इज़ फ्रॉम दादर एंड कहाँ कहाँ से, एंड दे आर सो गुड। तो ये जो एनर्जी मुझे सुबह सुबह मिली है ऑन अ संडे मॉर्निंग इट इज़ सो पॉजिटिव एंड सो नाइस। एंड आई वुड से कि असलम शेख जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इनफैक्ट यू नो टू टेक दिस एफर्ट और इतना सारा कोऑर्डिनेट करना ऑन सच अ लार्ज स्केल। जब ये नाम ही आता है तो क्या दिमाग में आता है? मलाड और मस्ती और ये ओकेजन एक्चुअली मलाड एक्चुअली सुबह सुबह उठने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एक्चुअली यू गेट सो चार्ज। ब्रिलियंट इतने सारे लोग होंगे तो आई थिंक हम लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया था। एंड आई एम ग्लैड मलाड इज फुल ऑफ मस्ती। गुड, मैं ऑलरेडी, मेरा सेकंड टाइम है नॉट फॉर मलाड मस्ती, लेकिन इसी स्टेज पे हम लोग आए थे बिग बॉस प्रमोशन के लिए। सो आई जस्ट फील कि ये गली में कुछ वाइब है, ये मलाड एरिया में कुछ वाइब है, क्योंकि यहाँ यूथ जो है 18 से 24 के बीच में जो लोग हैं या 15 से 24 के बीच में, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ मलाड। सो आई जस्ट फील दैट जहाँ यूथ है वहाँ ये फेस्टिवल्स और इवेंट्स ज़्यादा। जोश तो मतलब मुझे ओवरलोडेड लगा, एंड ट्रस्ट मी मुझे इतना मज़ा आज तक कभी नहीं आया जितना मुझे क्राउड की एनर्जी को देख के फील हुआ। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो क्राउड की एनर्जी हम लोग अब्जॉर्व कर लेते हैं, एंड जो हीट होती है ना, सो दैट ऑल आर मिक्स टुगेदर एंड देन इट कम्स आउट। 1 लाख के ऊपर फुटफॉल था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यहाँ पे करीबन 10,000 के ऊपर लोग हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग एक इनिशिएटिव और एक रीज़न और एक इंसान के लिए आते हैं, और उस इंसान ने इसको एक्सरसाइज और फिटनेस के मुद्दे को नज़र रख के, अपना क्या बोलते हैं, सो